हेलो एंड वेलकम टू सोम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम। आज आप लोगों को कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है 2023 में बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसका जो ओरिजिनल शेड्यूल था दोस्त, वो था 1 अगस्त 2021 को, एक से जो चलने वाला था 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक है। बिकॉज ऑफ टोक्यो ओलंपिक की वजह से इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब जो इसको पोस्टपोन होकर 2023 में होगा। टोक्यो ओलंपिक का जो शेड्यूल था इस महीने का था 23 से 8 अगस्त के बीच, जुलाई 23 से अगस्त 8 के बीच होने वाला था 2020 को। इसको कोविड-19 की वजह से इसको भी रोक दिया गया है। इसको रीशेड्यूल करके आपका जो अगस्त महीना में 1 से 7 अगस्त के बीच में होगा और 2021 में होगा। और इसमें जो कुछ बताया है आगे, और इसको जो यूथ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है इसको आपका जहाँ पर होता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। सी जी एफ जो प्रेसिडेंट है डैन लुइस मार्टिन, इन्होंने बोला रीजन इसी बोला है जो अगर बेस्ट एथलेटिक के लिए फैंस हेल्थ और वेलबींग आपका टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ठीक रहने के लिए ऐसा कुछ रीज़न लिया गया है, जो भी होगा इसके बाद होगा। और इसको जो ये जो पहला गेम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, स्कॉटलैंड में पहले चालू हुआ था 10 से 14 अगस्त तक हुआ था 2020 में। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनका जो एज होना चाहिए 14 से 18 साल तक, ठीक है। और मल्टी स्पोर्ट है जो भी है। और यहाँ पर जो मेन बात है दोस्त, जो है टोक्यो ओलंपिक जो है कॉमनवेल्थ गेम है आप लोग का, कॉमनवेल्थ जो गेम है यूथ के लिए, उसको पोस्टपोन करके रिशेड्यूल कर दिया जाएगा 2023 में। तो यही था न्यूज़। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।